तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे एमएमसी के आगे का टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो एमएमसी को कनेक्ट कैसे करें। हमारा जो टॉपिक होने वाला है एमएमसी को कनेक्ट कैसे करना, मतलब जो एमएमसी आईसी है उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, उसका कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और आईएसपी पिन आउट क्या होता है, आईएसपी पिन आउट क्या चीज है, आईएसपी पिन आउट के बारे में मैं आज आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, और एमएमसी आईसी को कनेक्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि जैसे आप एमएमसी के रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, एमएमसी रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट बात यही आती है कि आप एमएमसी आईसी को कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब जो एमएमसी आईसी है इसको जब आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कैसे होंगे, मतलब आईसी को आप कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करेंगे, आईसी को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करेंगे, उसका तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। अभी हम लोग जो दोस्तों जो वीडियो लेकर के आए हुए हैं ये आपके एमएमसी के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। एमएमसी के ऊपर कम से कम मैं 15 से 18 वीडियो देने वाला हूँ ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, और इसकी बहुत सारी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इससे पहले जो मैंने टॉपिक दिया हुआ था कि एमएमसी आईसी क्या है, एमएमसी ऑफिस में क्या फर्क है, और कैसे इसकी स्पीड स्लो होती है, कैसे इसकी स्पीड फास्ट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको दोस्तों वीडियो दिया हुआ था। सबसे पहली बात करते हैं एमएमसी आईसी को कनेक्ट करना, एमएमसी आईसी को कनेक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात जहां पर आती है एमएमसी आईसी को कनेक्ट करने के लिए, तो हमारी एमएमसी आईसी जो होती है वो अलग अलग डिजाइन की आती है। अलग अलग डिजाइन का मतलब होता है अलग अलग बॉल्स की आती हैं, वो अलग अलग पिन आउट होती है, मतलब ज्यादातर मोस्टली देखा जाए तो 5 से 6 तरीके की एमएमसी आई है जिनकी 5 से 6 तरीके के अलग अलग डिजाइन है। अच्छा, उन 5 से 6 डिजाइन के लिए अलग अलग एडेप्टर भी आते हैं जो उनको रीड करते हैं। आप देखें एमएमसी को कनेक्ट कैसे करते हैं, एमएमसी को कनेक्ट करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो पहला रास्ता होता है आईएसपी मेथड, दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट एमएमसी। तो एमएमसी को कनेक्ट कराने के दो मेथड होते हैं, एक तो पहला होता है आईएसपी मेथड, दूसरा क्या होता है डायरेक्ट एमएमसी। आप देखिए जो तुम्हारा आईएसपी मेथड होता है ये आईएसपी मेथड भी दो तरीके का होता है। कैसे दो तरीके का होता है, एक तो पहला जो मेथड होता है जो होता है एमएमसी का, दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएफएस का। मतलब एमएमसी का मेथड अलग होता है और यूएफएस का मेथड अलग होता है। और जहां पर अगर डायरेक्ट एमएमसी की बात करते हैं तो इसके लिए तो हमारे एडेप्टर आते हैं, मतलब एमएमसी का एडेप्टर अलग होता है और यूएफएस का अडेप्टर अलग होता है। अब जहां पर एमएमसी की बात करते हैं तो एमएमसी को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से पिनों की आवश्यकता होती है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। अच्छा, एमएमसी पिन आउट कैसे जरूरत है मैं इसके बारे में भी आज आपको डिटेल समझाता हूँ ताकि आप समझ सके कि एमएमसी के आईएसपी पिन आउट की क्या जरूरत है। सबसे पहली बात, जो एमएमसी में आईएसपी पिन आउट होता है, पहला होता है तुम्हारा डाटा सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, वीसीसीक्यू, जीएनडी। डाटा सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, वीसीसीक्यू, जीएनडी, ये हमारी इतनी पिन होती हैं, 6 पिन होती हैं। उसके बाद 6 पिनों के माध्यम से हम एमएमसी के डाटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, डाटा को रीड राइट करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, सारे काम करते हैं। उसके बाद जो यूएफएस होता है, यूएफएस को कनेक्ट होने के लिए आरएक्स ऑन, आरएक्स ओपी, टीएक्स ऑन, टीएक्स ओपी। तो यहां पर क्या होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए 4 पिनों की आवश्यकता होती है, आरएक्स ऑन, आरएक्स ओपी, टीएक्स ऑन, टीएक्स ओपी, और एमएमसी को कनेक्ट करने के लिए 6 पिनों की जरूरत होती है,
मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारा जो एमएमसी होता है वो सिंगल वे में काम करता है, और जो हमारा यूएफएस होता है वो डबल वे में काम करता है, मतलब रीड राइट दोनों होता है इसमें, एक बार में रीड होता है तो एक बार में राइट होता है, ऐसा होता है। और डायरेक्ट एमएमसी अडेप्टर में क्या होता है कि एमएमसी अडेप्टर जो होता है उसको डायरेक्ट आईसी को निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने के बाद अडेप्टर में लगा देते हैं। सर अडेप्टर आईसी ले आइए, मैं वो भी दिखा देता हूँ, और आईएसपी पिन आउट कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा एमएमसी एडाप्टर में मैंने आपको बताया आईएसपी मेथड, दूसरा ये था। अच्छा, इनका रोल क्या होता है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक मैं छोटा सा आपको ब्लॉक डायग्राम समझाता हूँ, तरीका समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर इसका कैसे रोल है, डायरेक्ट रिपेयरिंग क्या चीज है। देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमारे मोबाइल फोन में जो भी सॉफ्टवेयर जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है, सीपीयू के माध्यम से होता है। कहाँ पर होता है, सीपीयू के माध्यम से होता है। अब जो तुम्हारी सीपीयू आईसी लगी होती है, इसकी एक पिन जो होती है वो माइनस होती है, ग्राउंड होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद क्या होता है, एक पिन जो होती है वो, इसको हम लोग वी बस भी कहते हैं, ये प्लस सप्लाई है 5 वोल्ट की। ये 5 वोल्ट की जो प्लस सप्लाई होती है वो आपकी आईसी के अंदर जाती है। तो इस जब आईसी हमारा ऑन होती है तो आईसी क्या काम करती है, अपने अंदर से 2 सप्लाई जनरेट करती है, इसको आप पावर आईसी कह सकते हैं। ये वी बस जो सप्लाई होती है चार्जिंग आईसी के माध्यम से वीपीएच कन्वर्ट होकर के तब हमारे पास ये सप्लाई आती है, और ये जो सप्लाई जब यहाँ पर आती है तो आपका 1.8 वोल्ट, दूसरा होता है 2.8 वोल्टेज, इसी को हम लोग बोलते हैं वीसीसीक्यू, और ये होता है हमारा वीसीसी। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, ये सप्लाई जो होती है वो हमारे एमएमसी पे जाती है। अब एमएमसी आईसी को कनेक्ट करने के लिए जब ये सप्लाई हमारी ऐसे 2 वोल्टेज जाते हैं, जब दोनों वोल्टेज एमएमसी को चले जाते हैं तो एमएमसी आईसी हमारी ऑन हो जाती है, और एमएमसी को काम करने के और वोल्टेज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड, नेगेटिव ग्राउंड वोल्टेज। अब होता क्या है कि ये एमएमसी पावर हमारा सब कुछ ऑन हो जाता है। अब जब आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालते हैं तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए क्या काम करते हैं कि ये बूट की दबाते हैं, बटन दबाते हैं, हिडन बटन उसको प्रेस करते हैं और मोबाइल फोन में डाटा केबल इंसर्ट करते हैं। जैसे डाटा केबल इंसर्ट करते हैं तो डाटा केबल इंसर्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो जैक लगा होता है जिसको हम लोग चार्जिंग जैक बोलते हैं, इस चार्जिंग जैक में क्या होता है, डाटा माइनस, डाटा प्लस, यूएसबी आईडी, ये 3 सिग्नल निकलते हैं और ये तीनों पहुंच जाते हैं तुम्हारे सीपीयू के अंदर। अब ये जो तीनों सिंक्रोनाइज होकर जब सीपीयू पहुंच जाते हैं तो सीपीयू क्या काम करता है, अपने अंदर से डाटा आदान प्रदान करता है। डाटा का मतलब होता है जो भी आप सॉफ्टवेयर रिकवरी या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग जो भी करना चाहते हैं उसका आपस में ट्रांसफर होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये हमारी सप्लाई की पिन हो जाती है, और ये हमारा डाटा, डाटा का मतलब यूएसबी के जो सिग्नल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो इसके माध्यम से हम लोग ट्रांसफर करते हैं। किसी कारण बस ऐसा हो जाता है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर ऐसा जो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बूट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि मोबाइल फोन की जितनी सारी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सेव रखता है। जैसे आप मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराते हो तो कंप्यूटर को लिख करके आता है सैमसंग कनेक्टेड, ओप्पो कनेक्टेड, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, ऐसा लिख करके आता है। ऐसा कैसे लिख करके आता है, ऐसा इसलिए लिख करके आता है क्योंकि जो इसके अंदर का जो प्राइमरी बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि वही सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, जब वही सॉफ्टवेयर करप्ट रहता है आप लगाते रहो तो जिंदगी भर डाटा केबल कभी कनेक्ट ही नहीं होगा, जहां कनेक्ट ही नहीं होगा तो ये मेथड फेल। तो इस मेथड को हम लोग यूएसबी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, यूएसबी मेथड बोलते हैं। तो ये यूएसबी मेथड हमारा फेल हो जाता है। जब यूएसबी मेथड फेल हो जाता है तो फिर हम लगते हैं कि यार हम अब तो हम मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग तो कर ही नहीं सकते, या किसी कारण बस आपके पास कहीं मोबाइल फोन एक बार, दो बार, 3 बार ठीक हुआ और उसके डाटा केबल के अंदर के लाइनें खराब हो गई, डाटा केबल की सप्लाई खराब हो गई, मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब उस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ना है,
या बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जिस मोबाइल फोन के अंदर जो हिडन बूट की होती है कंपनी वही नहीं देती, फोन कनेक्ट ही नहीं होता। जब फोन कनेक्ट ही नहीं होता, अब तुम कर लो सॉफ्टवेयर, कर लॉक खोल के दिखा दो, फ्लैशिंग करके दिखा दो, क्यों? क्योंकि फोन कनेक्ट ही नहीं होने वाला। जब तक फोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मतलब होता है हमारा ये कनेक्टिविटी का मेथड फेल हो जाता है या नहीं काम करता या नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उस कंडीशन पर फिर सीपीयू क्या काम करता है, अपने अंदर से जो यही तीन सिग्नल्स होते हैं ये तीन सिग्नल को लेता है और तीन सिग्नल को लेने के बाद ये एमएमसी से सिंक्रोनाइज करता है। ये जो तीन सिग्नल होते हैं इसी सिग्नल को हम लोग बोलते हैं डाटा, सीएमडी, सीएलके। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक हमारे पास एक अडेप्टर आता है जिसको हम लोग टीएमएस अडेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीएमएस। ये जो टीएमएस अडेप्टर होता है, टीएमएस अडेप्टर के अंदर पिन दिया होता है, छह पिन होती है। एक, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आप उसको देख सके, 1 2 3 4 5 6, छह में से एक पिन तुम्हारी ग्राउंड होती है, उसमें से एक पिन तुम्हारी वीसीसी की होती है, दूसरा वीसीसी क्यू होता है, फिर डाटा, सीएमडी, सीएलके, ऐसे छह पिन दी होती है। जब छह पिन दी होती है तो आप क्या काम करेंगे, जब ये वाला मेथड फेल हो गया तो ये वाला मेथड फेल होने के बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि आईसी का एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो या ऐसा प्रोग्रामर हो या ऐसा कोई टूल हो जिसके माध्यम से हम आईसी को रीड कर सकें। क्यों? क्योंकि आप भी समझिए कि मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपका स्टोर होता है तो कहां पर स्टोर होता है? एमएमसी आईसी के अंदर। तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का अगर कोई भी काम करना तो एमएमसी पे करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल दी बात है कि मैं, मेरे पास जो भी मैं खाना खाता हूं तो खाना मुंह से खाता हूं, चबाता हूं, सब कुछ करता हूं, जाता आखिर में पेट के अंदर है। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि यहीं से पेट में छेद कर दूं, यहीं डायरेक्ट खाना डाल दूं, निकाल दूं, एनर्जी पहुंचा दूं, ऐसा कुछ करूं, तो इससे क्या होगा? इसे डायरेक्ट करने का प्रोसेस बोलते हैं। इसी डायरेक्ट करने के प्रोसेस वही हम लोग इसके आईएसपी मेथड बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? आईएसपी मेथड बोलते हैं कि जब ये वाला तरीका फेल हो जाता है तो फिर हम लोग इसको डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, एमएमसी आईसी को डायरेक्ट रीड करते हैं। अब इसके लिए क्या करना होता है कि पहला तरीका जैसे मैंने कि आपको बताया दोस्तों, डाटा, सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, इन पिनों के माध्यम से हम लोग एमएमसी को रीड राइट कर लेते हैं। तो मोबाइल फोन में आईसी उतारना पड़ेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सर, ऐसे अडेप्टर्स आते हैं, ये देखिए इस अडेप्टर के अंदर पिन दी होती है और इस पिन के अंदर ये हमारी एमएमसी आईसी होती है, ये देखिए ये एमएमसी आईसी है। इस एमएमसी आईसी को इस अडेप्टर के अंदर ऐसे रख देते हैं, रखने के बाद इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो बॉक्स होता है, ये देखिए, इसे यूएफआई प्रोग्रामर बॉक्स, यूएफआई जेटैक, एमआईपी टेस्टर, कोई भी बॉक्स हो, आप उस बॉक्स में इसको जाकर के ऐसे कनेक्ट करा दीजिए, ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये डाटा केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर उसको सॉफ्टवेयर खोल देगा। तो डायरेक्ट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रीड करने का प्रोसेस। इसमें क्या रहता है कि आपको आईसी उतारना नहीं पड़ेगा और आप जंपर मार करके ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके सॉफ्टवेयर आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आईएसपी पिन आउट नहीं दिया होता तो फिर आप आईसी उतारिए, रिवॉल्व करिए और डायरेक्ट अडेप्टर में लगाइए। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टीएमएस अडेप्टर होता है, ये देखो ये टीएमएस अडेप्टर है। इसमें से आपको जंपर लगाने होते हैं, छह जंपर लिखा होता है, डाटा, सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, क्यों, दिखा दीजिए सर सबको। तो यहां पर क्या होता है, हमको कनेक्ट करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉक के कनेक्ट कराएंगे। देखो कैसे कनेक्ट कराते हैं, इसको कनेक्ट कराने के लिए आपको सीएलके को उठाकर सीएलके से कनेक्ट कर दिया, सीएमडी को उठाकर सीएमडी से कनेक्ट कर दिया, डाटा को उठाकर डाटा से कनेक्ट कर दिया, वीसीसी वीसीसी को उठाकर कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड ग्राउंड पर लगा दिया। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही आप इसको रीड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रीड कर। आपका तो सर जी ये हमें कैसे पता चलेगा ये आईसी पिन आउट कहाँ है? अच्छा, ये सारी बातें आपको गूगल बता देता है। कैसे बता देता है? देखिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद गूगल आपने सर्च किया, जैसे मान लो ओप्पो, ओप्पो A3, यस,
आईसीयू पिनआउट, जैसे हमने खोला ओप्पो A3s आईसीयू पिनआउट, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो इसमें फोटो खुल जाता है, ऐसा पिक्चर खुल गया, ये देखिए ऐसा फोटो खुल गया। अब फोटो खुलने का मतलब क्या होता है, ये बता रहा है कि देखो इसमें क्वालिकॉम लिखा है, ये सीपीयू आईसी है, ये एमएमसी आईसी लगी है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा है यहां से आप कनेक्ट करिए। अब होगा क्या, होगा क्या, सीपीयू के अंदर से क्लॉक सिग्नल आएगा, इससे होने के बाद या इस देखिए यहां से सीपीयू सिग्नल आएगा, इसके बाद यहां से निकलेगा, फिर ये चला जाएगा आईसी के अंदर, दूसरा इसमें सीएमडी, सीएमडी में ये सिग्नल आएगा और इसके बाद ये चला जाएगा आईसी के अंदर, फिर सीपीयू से सिग्नल आएगा और डाटा पे आएगा, डाटा पे चला जाएगा आईसी के अंदर, तो तीनों सिग्नल चले गए। जब तीनों सिग्नल चले गए तो हम लोग क्या करेंगे, आईसी उतारने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी बीच रास्ते में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं तार है ना, उस पर तार सप्लाई जा रही है, तुम बीच से अपना कटिया फांस लो, मतलब बीच से अपना जोड़ लो, सप्लाई आ जाएगी। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, यहां से हमने क्लॉक ले लिया, सीएमडी ले लिया, डाटा ले लिया, वीसीसी, वीसीसी क्यों, जितनी सारी सप्लाई थी उसमें जम्पर लगाए, अब वो जम्पर लगाने के बाद जो टीएमएस अडेप्टर है उस टीएमएस अडेप्टर पर जम्पर लगा दिया, जैसे टीएमएस अडेप्टर पर जम्पर लगा देंगे तो टीएमएस अडेप्टर क्या काम करेगा, इसको कनेक्ट कर लेगा, कनेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर के बाद जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करते पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अच्छा इसका वीडियो भी मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, मेरे पास एक मोबाइल फोन अभी आया था, उस मोबाइल फोन को मैंने रिपेयर किया था, रिपेयर करने का भी पूरा वीडियो बनाया था, उसका भी मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आप देखेंगे बिल्कुल वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट हो गया तभी तो हम कर पाएंगे, जब तक कनेक्ट ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर को कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कनेक्ट होने का तरीका बताया मैंने आईएसपी का। अब कहिए जैसे ओप्पो का आ गया, ओप्पो के अलावा तो हमारे पास कोई वीवो का मोबाइल फोन आ जाता है, वीवो, U10, आईएसपी पिन आउट, वीवो U10 आईएसपी पिन आउट, जैसे आपने इस पे किया ओपन किया तो आपके पिक्चर खुल गया, पिक्चर खुलने के बाद वो कह रहा है ये एमएमसी आईसी लगी है, यहां से तुम वीसीसी, वीसीसी क्यों ले सकते हो, इस रजिस्टर से सीएमडी ले सकते हो, ग्राउंड यहां से ले सकते हो, ये छोटा सा पॉइंट दिया यहां से डाटा ले सकते हो, इस रजिस्टर से सीएल के ले सकते हो, तो ये सारी चीजें इसमें से खुल जाती है। फिर उसी हिसाब से आप मोबाइल फोन की जो प्लेट है ना, उस मोबाइल फोन के प्लेट में आप उसको फाइंड कर लीजिए, जैसे आप उसको ढूंढ लेंगे बस आप जम्पर लगा दिए, जम्पर लगाने वाले आइडेंटिफाई मारी, आपका आईसी कनेक्ट हो गया। हर एक मोबाइल फोन का, सैमसंग का मोबाइल फोन आ गया, सैमसंग J2, ये देखिए सैमसंग J2 आईसीयू पिन आउट, ये खुल गया। अब ये कह रहे हैं ग्राउंड यहां से हो जाएगा, यहां से सीएलके हो जाएगा, वीसीसी क्यू, डाटा सीएमडी, तो वीसीसी, तो सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करते ही सारी उसकी इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आईएसपी पिनआउट को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जिसमें यूएफएस चिप लगा होता है उस यूएफएस चिप में आईएसपी पिनआउट में डाटा सीएमडी सीएलके ना दे करके उसमें आरएक्स ऑन, टीएक्स ऑन, ये सारा सबको दिया होता है। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, जैसे ओप्पो A5 2020 आईएसपी पिन आउट, देखिए ये देखिए ओप्पो A5 2020, देखिए अब यहां पर कितने 6 पिन होते हैं, RX on, TX on, RX OP, TX OP। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें तो CPU को ड्रिल किया गया है,
सीपीयू को ड्रिल करने वाले बीच में पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, तो जब बीच में पॉइंट ना होने के कारण हमने क्या कर दिया, सीपीयू को हल्का सा घिस दिया, सीपीयू घिस दिया तो वहां से पॉइंट निकले, वहां से जम्पर से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूएफएस चिप लगी है, अगर यूएफएस चिप होती है तो यूएफएस चिप को आईएसपी पिन आउट आरएक्स ऑन टीएक्स ऑन आरएक्सओपी टीएक्सओपी होते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्टिविटी का मेथड है, आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे आईएसपी का क्या जरूरत है, कैसे आईएसपी काम करता है, कैसे आईएसपी कनेक्ट होता है, और ये मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी करने का तरीका कि क्या क्या आईएसपी पिन आउट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या पिनों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आईएसपी मेथड से मोबाइल फोन को एमएमसी को कनेक्ट कर लेते हैं। जब एमएमसी आईसी को कनेक्ट कर पाएंगे तो कनेक्ट करने के बाद ही उसमें सॉफ्टवेयर का आगे का जो भी सारा काम है, जो भी वर्किंग है, वो सारा सब कुछ हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईएसपी पिन आउट क्या है और आईएसपी पिन आउट में कैसे कनेक्टिविटी होती है, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में मैंने आज आपको वीडियो दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी सारे स्टूडेंट लोग हैं वो आप लोग ये सारी चीज़ों को अच्छे से आप नोट करें। अगर आप अच्छे से नोट करेंगे इस सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे मैंने ग्राफिक के लिए मैं आपको चित्र बनाता हूँ, इनको आप अच्छे से बनाएं ताकि आप अच्छे से ये समझ सकें कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना कितना आसान है, बस हमको तरीका सीखना है और उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसको सीखना है। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये समझाया कि आईएसपी पिन आउट क्या है, आईएसपी पिन आउट कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसका कनेक्ट करने का तरीका क्या है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। और इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं सब लोग ऐसे ही ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पर पूरा फुल डे क्लास होता है, पूरा दिन प्रैक्टिकल तरीके से एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। जितने भी सारे बच्चे लोग होते हैं सब लोग प्रैक्टिकल करते हैं, मोबाइल फ़ोन में पार्ट्स को चेंज करते हैं, आईसी को चेंज करते हैं, कंपोनेंट को चेंज करते हैं, या बिल्कुल जो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, आज तक उन्होंने मोबाइल फ़ोन चलाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो उनके लिए स्पेशल अलग से ट्रेनिंग होती है कि वो उनको एक एक करके सब चीज़ों में अच्छे से प्रैक्टिकल कराया जाता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकली कराया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना है। और भाई जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें आती हैं तो उनको भी उसी हिसाब से ट्रेनिंग कराया जाता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी आदमी आए तो उसका समय वेस्ट ना जाए। क्यों? क्योंकि समय हमारा दो हिसाब से वेस्ट होता है। कुल मिलाकर जब हमारा काम सही समय पर सही चीज़ों पर नहीं हो पाता तो हमारा समय वेस्ट ही हो रहा है। तो जिन बच्चों को नॉलेज है उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, जिनको नहीं नॉलेज है तो उनके लिए भी स्पेशली अलग हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख करके जाएं और वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का कंप्लीट सफर तय कर सकें और सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका आसानी के साथ में सीख करके जाएं। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है। सागर मार्केट मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर दुनिया जान का आदमी मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आता है, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आता है या मोबाइल फ़ोन का सामान लेने के लिए आता है। अगर उत्तर प्रदेश की कोई सबसे बड़ी मार्केट है तो सागर मार्केट है। ये कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उससे 200 300 400 मीटर नियर अबाउट है, पैदल का वॉकिंग डिस्टेंस है, आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पर रहने के सभी स्टूडेंट के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है और पूरा फुल डे ट्रेनिंग है और टूल किट वगैरह है, सारा मशीन सामान सब कुछ टोटल आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको नया बैच ज्वाइन करना है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711 6391211211 इस नंबर पर कॉल करें। कभी दिन में अगर आप फ्री होते हैं तो वीडियो कॉल करें, देखें कैसे क्लासेस हो रही हैं, किस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। और कोर्स ज्वाइन करने से पहले, कोर्स सीखने से पहले, कोर्स समझने से पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप कॉल जरूर करें, सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डेमो वीडियो, जैसे बहुत ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर मुझे डेमो क्लास चाहिए, तो मैं कहता हूं कि डेमो क्लास के लिए सर मैंने आपके लिए बहुत सारा मैंने डेमो वीडियो बनाया हुआ है, आप जैसे हमें कॉल करेंगे तो हम कुछ डेमो वीडियो हम आपको भेजेंगे, वो डेमो वीडियो आप देखें और वीडियो देखने के बाद तब आप ये कंफर्म करें कि हमको कानपुर में ईटेक इंस्टीट्यूट में जाकर के हमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, और सर के द्वारा आपको पूरा अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि नहीं सिखाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आप जजमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो में एक आपका बेसिक का वीडियो होगा, एक प्रैक्टिकल का वीडियो होगा, एक आईसी लगाने का वीडियो होगा, एक उसमें थ्योरेटिकल वीडियो होगा, एक इसमें सॉफ्टवेयर डालने का वीडियो होगा, इसमें लॉक खोलने का वीडियो होगा। फिर आप उस चैनल के अंदर बहुत सारा वीडियो पड़ा है तो सब वीडियो देखें, अगर आपको सर अच्छा लगता है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें और अच्छा सीख करके अच्छी तरीके से काम करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।